हेलो गाइस तो इस पार्ट की शुरुआत में हम शायन को देखते हैं जो कि उसी फेरी के स्टैचू के सामने खड़े होकर प्रे कर रही होती है कि तभी वहाँ पर योंगजी भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम फिर से इस पैरी के सामने खड़ी होकर प्रे कर रही हो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो कोई गॉड नहीं है तो जिस पर कि की आवाज सुनकर जी के पास आती है और कहती है की क्या तुम्हें होश आ गया तो जिस पर यौंगी कहता है की हाँ तभी तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो जिस पर शायन कहती है की मैं जानती थी की तुम्हें कुछ नहीं होगा और अब वो उसे मानने लगती है तो जिस पर यौंग से कहता है कि मुझे अभी भी दर्द हो रहा है तो अब शायन जान के उसे मारने लगती है और अब वो दोनों की दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं ये सब कुछ देख कर। ये उन दोनों से कहती है कि जब भी हर बार तुम दोनों मिलते हो तो आपस में झगड़ते क्यों रहते हो तो जिस पर शायन बताती है की मुझे इसे मारने में बहुत मजा आता है अब यहाँ पर उसकी बहन उसे ये समझाती है की तुम्हें योंगसी का थैंक्स करना चाहिए कि उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा और अब हम योंगसी को देखते हैं जो कि प्राउड फील कर रहा होता है तो उसका फेस देखकर शायन पूछती है कि आखिर मैं थैंक क्यू करूं तो जिस पर योंगसी उसके सामने एक पेपर लेकर आता है उसमें लिखा हुआ था कि उसके फादर ने उसकी मैरिज सीमा फैमिली से तोड़ दी और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है तो ये चीज देख कर शायन काफी ज्यादा खुश होती है अब यहाँ पर योंगजी बताता है सिर्फ मैंने इस काम के लिए तुम्हारी मदद नहीं करी है बल्कि तुम्हारी बहन भी काम में शामिल थी तो जिस पर शायन काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है और फिर अपनी बहन के गले लग जाती है और कहती है कि आप दुनिया की सबसे अच्छी है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि शायोन एक सपना देख रही थी और यहाँ पर टोंगैन उसे ऐसा वियर्ड बिहेवियर करता हुआ देख रहा था क्योंकि वो सपने में हंस रही थी और यहाँ दूसरी तरफ योंग से उन्हें उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक ऐसी जगह में बन था जो की उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था यानी की वो डोंग के डॉल के आई के अंदर बन था यहाँ दूसरी तरफ शायोन हंसते हंसते उठ जाती है और तब उसे ये चीज रिलाईज होती है की वो सिर्फ एक सपना था टोंग भी उसे ऐसी हरकतें करता हुआ देख रहा था हाँ से शायन को बुलाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो जिस पर शायन उसकी तरफ मुड़ती है बट वो उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रही थी तो जिस पर से कहता है कि आखिर मैं कौन सी जगह में हूँ एक बार मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि हेवन और अर्थ के बीच में एक स्ट्रेंज मैजिक वेपन होता है और उसे स्पिरिट स्टोन क्रिस्टल बोलते हैं और इस वक्त भी मैं क्रिस्टल के अंदर ही हूँ और ये चीज सिर्फ तभी होती है जब कोई बंदा काफी ज्यादा बीमार होता है और उसका सेंस उस जगह में पहुंच जाता है और अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत बेकार बात है क्योंकि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा और ये बात सोच कर वो काफी ज्यादा परेशान और डरने लगता है यहाँ डोंगियान उस टेडी की आंख को देख रहा होता है वो भी बहुत ज्यादा गौर से तो जिस पर शायन से कहती है कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है वैसे जानते हो ये टॉल मुझे मेरे मास्टर ने गिफ्ट करी थी यानी कि उसी ओल्ड मैन ने वो भी एक प्राचीन गुफा से लाके। के अब यहाँ पर उसी प्राचीन गुफा का नाम सुनकर शायन को पुरानी बात याद आती है और फिर वो टर जाती है और उस टॉल को फेंक देती है तो जिस पर डोंगन उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है यहाँ दूसरी तरफ शायन सोचती है कि ये सब कुछ छोड़ो लेकिन शायद जो सपना मैंने आज देखा था वो पूरा होने वाला है क्योंकि मेरे फादर ने योंगजी से वादा करा था कि अगर वो जीत जाएगा तो मेरे फादर मेरी साथी सीमा फैमिली से तोड़ देंगे तो मैं जाकर अपने फादर से इसके बारे में कहती हूँ और वो इस बारे में जरूर मान जाएंगे और अब वो आज से खुशी खुशी जाने लगती है और कहती है की आज फाइनली मेरा सपना पूरा हो जाएगा यहाँ दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर शाह और येन दिखाई देते हैं डायरेक्टर शाह येन के पास आते हैं और कहते हैं की मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ भले ही ये चीज़ तुम्हें अच्छी ना लगे पर यांग सिटी के लोग मेरे फादर को भड़का रहे हैं जिसके पास वो तुम्हारे ईस्टर्न ऊपर टैग कर देंगे और यहाँ की गति को हासिल कर लेंगे मैं जानता हूँ कि वो ये सब कुछ गलत कर रहे हैं लेकिन मैं अपने फादर को भी कैसे समझा सकता हूँ ना ही उनकी बातों को टाल सकता हूँ इन यांग का प्रिंस कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसने अपने यहाँ की लॉयल बंदी को बहुत बेरहमी से मार दिया था वो भी हमारे सामने लेकिन आप हमारे ऊपर विश्वास रखना क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ही टॉयल थे तो जिस पर को गुस्सा आने लगती है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है की पहले ही दिन यांग फैमिली बहुत कुछ कर चुकी है वो भी हमारे पीठ पीछे तो जिस पर डॉक्टर शाह कहता है की हाँ और मैं इसी काम के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ अगर आप चाहें तो बस इसके बदले आपको मुझे एक चीज देनी होगी तो जिस पर यंग कहती है की क्या तो डाक्टर शाह बताते है की आपको कैसे भी करके शायन को इस शादी के लिए मनाना होगा तो जिस पर इनके हाथ से उसका मार्क्स छूट जाता है और वो गुस्से में आकर उसे कहती है की तुम्हें ये लगता है कि मैं अपनी बहन का सौदा तुम्हारे साथ कर या फिर अगर मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना तो तुम हमारे खिलाफ हो जाओगे इसका मतलब यही है की तुम हमें धमकी दे रहे हो ना तो जिस पर डायरेक्टर शाह कहता है की नहीं यहाँ दूसरी तरफ शायन भी अंदर आ रही होती है तो जिस पर कार्ड उसे रोक देते हैं जिस पर शायन जबरदस्ती गेट खोल के देखने लगती है तो उसे पता लगता है की अंदर डाय शाह और उसकी बहन है जो कि उसकी शादी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये डायरेक्टर शाह की बातों पे एग्री हो चुकी थी और वो कहती है कि जैसे तुमने कहा है वही होगा तुम्हारी साथी शाह साथ ही होगी तो अब जिसके जवाब में डायरेक्टर शाह उससे कहते हैं की लेकिन आपके फादर ने योगी से वादा करा था की अगर वो जीत जाएगा तो प्रिंसेस की शादी उसकी मन होगी तो आप इस चीज को कैसे रोकेंगे तो जिस पर इन कहती है की बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो ये सब कुछ मैं कर लूंगी जिस पर डायरेक्टर शाह उसका थैंक करता है और कहता है कि ठीक है मैं हमेशा की तरह इस बार भी आपकी प्रोटेक्शन करूंगा उनकी ऐसी बातों को सुनकर शायन अंदर आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों कितना झूठ बोलते हो ना जब एक बार फादर ने इस बात का डिसीजन ले लिया था तो तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो तो जिस पर डेक्टर शाह कहते हैं की तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी आज नहीं तो कल हम दोनों की शादी होके रहेगी तो जिस पर शायन गुस्से ऐसी चिल्लाती और कहती है की अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी और उनकी बातों को यौंग भी सुन रहा होता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या येन अपनी बहन का सौदा ऐसे क्यों करेगी आप उसकी ऐसी बातों को सुनकर ये गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो शायन को लेकर उसके कमरे में छोड़ दे और उसके ऊपर निगरानी रखना तो जिस पर शायोन उससे कहती है कि मैं खुद भी जा सकती हूँ पर ये शादी भी, भी नहीं करूंगी और ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है अब उसके जाने के बाद ये डायरेक्टर शाह से कहती है की देखा ना तुमने की शायन तुम्हारे साथ शादी करने के लिए बिल्कुल भी, भी राजी नहीं है लेकिन शायद उसे ये बात समझने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन इस टाइम पर तुम्हें हमारा देना होगा और अपने दिए हुए प्रॉमिस को निभाना यानी कि यिन और टैक्टिस शाह के बीच में ऐसी कुछ बात हुई है और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है इसका नेक्स्ट जल्द जैसे जल्द चैनल में आ जाएगा तब तक के लिए को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना